हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं एक शीट मास्क का रिव्यू कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम इनिसफ्री एंड ये है माय रियल स्क्वीज मास्क, राइस का मास्क है ये, और ये एक शीट मास्क है। इस शीट मास्क को नायका ब्यूटी अवार्ड में 2019 में बेस्ट शीट मास्क का अवार्ड भी मिला है। सो 100 रुपीज़ का आता है ये शीट मास्क, तो इसे अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ। एंड 2 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है। तो चलिए, 20 ml प्रोडक्ट क्वान्टिटी के साथ में आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये ठीक है, एंड इसके बारे में मैं बता दूँ, ये जो मास्क है इस पर इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं इंग्लिश में ही, जिसमें से मैं अभी आपको देख कर के बताने वाली हूँ कि पैराबेन है या नहीं। सो देयर इज़ नो पैराबेन। इसमें फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, ग्लिसरिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्किन को हेल्प करती हैं सॉफ्ट एंड स्मूथ बनने में। दिस रिच क्रीम टाइप रियल मास्क इनरिच्ड विद अबंडेंट नरिशमेंट फ्रॉम राइस लीव्स डल स्किन क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। तो देखते हैं मेरी स्किन और हेल्दी होती है या नहीं, क्योंकि मैं स्किन का अपनी का ध्यान रखती हूँ। इसलिए अभी आप देख लीजिए, ये मास्क है और मैं यहाँ से अभी इसे ओपन कर रही हूँ। सो इसमें वाइट कलर का टेक्स्चर है इस मास्क के अंदर। ठीक है, और एक शीट मास्क जो होती है वो एक ही बार इस्तेमाल होती है। सो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है, ये आप देख लीजिए, वाइट वाइट है इसका पूरा, जैसे राइस वाटर होता है, थिक राइस वाटर। एंड लेट्स ओपन दिस। इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो फाइबर है, बहुत ही ज़्यादा स्मूद और सॉफ्ट है। एंड व्हाट अ ग्रेट साइज, ओ ओ इट्स जस्ट वंडरफुल। बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है इसको लगा करके, जैसी फॉरेस्ट एसेंशियल का जो मैंने मास्क लगाया था, एंड इसका फाइबर बिल्कुल वैसा ही है कुछ कुछ। बट साइज इज सो बिग, इट्स जस्ट वाव प्रोडक्ट बिकॉज आई लव द टेक्सचर। ठीक है, तो ये मैंने लगा लिया है दोस्तों। अब मैं आपको इसके बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। तो इसको इस्तेमाल करना है 10 से 20 मिनट रखना है, तो मैं इसे 20 मिनट ज़रूर रखूँगी। एंड आफ्टर क्लिनजिंग यूज़ टोनर टू रिफाइन द स्किन टेक्सचर, जैसा कि हमेशा करती हूँ मैं। टोनर की जगह रोज़ वाटर ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ बिकॉज वो एक बेहतरीन टोनर होता है। अनफोल्ड एंड प्लेस द मास्क ऑन द फेस अवॉइडिंग आई एरिया एंड लिप एरिया। ओके, बहुत ज़्यादा इसके अंदर फॉर्मूला है। यूज़ विद केयर इफ़ यू आर ईजिली इरिटेटेड बाय बैंडेजेस और वेट टॉवल्स। सो सॉरी, मैंने कॉशन पढ़ दिया। यहाँ पर लिखा है डिस्कार्ड द मास्क एंड जेंटली पेट फॉर द फर्दर अब्जॉर्प्शन। सो एज सच उसमें एक्स्ट्रा यू नो सेरम नहीं बचा है बिकॉज शीट में बहुत ज़्यादा था, और अब मैं इसको 20 मिनट रखने के बाद ही रिमूव करूँगी। तो चलिए 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो अब मैंने इसको ऑलमोस्ट जो है वो 20 मिनट रख लिया है, एंड अब मैं इसे रिमूव करने वाली हूँ। बट फिर भी ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुई है, तो चलिए इस राइस मास्क को मैं हटाने वाली हूँ अभी।
ओके, दिस इज एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग, और इस पर जो सीरम लगा हुआ है इससे स्किन हो गई है बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट। सो मास्क में अभी भी प्रोडक्ट है, और अगर मैं इसे 1 घंटे रखूँगी तो शायद ये ड्राई हो, बट नहीं, दिए हुए टाइम के अनुसार इतना सफिशेंट है 20 मिनट्स। एंड एक्सेस शीट मास्क से आप चाहें तो अपने हाथ के जो ये वाला एरिया होता है स्पेशली नेल्स के आसपास का, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मास्क सेरम है, बट इट्स ओके। और आप ये देख रहे हैं इस वक्त ये स्किन अभी सोख नहीं पा रही है, और इसको सोखने में आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा। सो ओवरऑल इट्स वेरी गुड, और जितनी भी तारीफ करूँ मैं इसके फॉर्मूले की उतनी कम है, तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इनिसफ्री का ये राइस मास्क ज़रूर ट्राई करिएगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि अफोर्डेबल है, 100 ही रुपीज़ की है। दूसरी चीज़ इसमें ना, बाई 5 गेट 5, बाई 7 गेट 7 ऐसे वाले ऑफर्स आते रहते हैं, तो आप उससे भी इसे परचेज़ कर सकते हैं ऑफ़र के थ्रू, और इसे ऑल स्किन टाइप लगा सकते हैं। और क्योंकि ये एक राइस मास्क है, चावल का बना हुआ है, जिस वजह से स्किन सचमुच में हाइड्रेटिंग एंड ग्लोइंग और ब्राइटनिंग की तरफ जाती है। और सप्ताह में अगर आप, जैसा कि मैं हर अपने शीट मास्क के वीडियो में बताती हूँ, यदि आप सप्ताह में 2 से 3 बार या 4 बार शीट मास्क लगा रहे हो या अफोर्ड कर सकते हो, तो एवरी डे लगा सकते हो, वरना ऑल्टरनेट डे पे लगाइए, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे आपकी स्किन में। सो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, देन प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल रारा, और मेरे अनदर चैनल जो हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसका परचेजिंग लिंक है, आप बिल्कुल वहाँ से ले सकते हैं इसे, और मुझे आप फेसबुक और इंस्टा पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, और मेरी अनदर वीडियो देखिए।